ये डेल 15 लैपटॉप है, इसमें फ़ैन स्पिन नहीं हो रहा है जिसके वजह से ओवर हीट होके बोर्ड शट डाउन हो जाता है, देख सकते हैं। हाँ, बोर्ड ऑन कर दिया मैंने अभी, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले आ चुका है बट ये फ़ैन जो है ये स्पिन नहीं हो रहा है। तो कॉमन फॉल्ट है ये, बहुत सारे बोर्ड में आ जाता है कि फ़ैन का इशू आ जाता है, फ़ैन चलता नहीं है। सबसे पहले आप न्यू फ़ैन लगा देते हैं, न्यू फ़ैन लगाने के बाद भी नहीं चलता है। तो अभी हमें जो स्टेप फॉलो करना है, सबसे पहले ये जो ग्राउंड है पिन नंबर 3 है, ये पिन नंबर 2 जो देख रहे हैं, ओके ये पिन नंबर 2, ये फैनटेक है। इस पर आपको अप्रॉक्स 3.3 वोल्ट मिलता है, पुल अप होता है ये 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पे मल्टीमीटर में देख सकते हैं 3.2 वोल्ट मिल रहा है, मतलब ओके है। इसके बाद पिन नंबर 1 जो है इसमें 5 वोल्ट VCC बनता है, बट यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट VCC होता, फैनटेक पे 3.3 वोल्ट होता और फैन स्पिन नहीं होता, तो हम बोल सकते थे हमारा फ़ैन ये डैमेज हो चुका है, फ़ैन चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो आप एक बार फ़ैन का ये लॉक हटाइए, ये सभी लॉक को हटा देना है। उसके बाद ये वायर को की कनेक्टिविटी चेक कर लेनी है या फिर फ्यूज़ वगैरह कुछ दिखे तो आप, अगर सर्किट समझ में आता है तो आप एक आइडिया लगा के चेक कर सकते हैं। खैर मैं भी एक बार फ़ैन को चेक कर लेता हूँ, फ़ैन ओके है या नहीं। चेक करने के लिए DC रेगुलेटर यूज़ करेंगे। पिन नंबर 1 जो VCC है, VCC पे हमें अप्रॉक्स 3 वोल्ट के आसपास जाएंगे तो देख सकते हैं फ़ैन स्पिन हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ैन जो है इसका ओके है, मतलब फ़ैन ख़राब नहीं है, इसका सप्लाई का प्रॉब्लम है, इसमें मतलब बोर्ड का प्रॉब्लम है। ओके है, 2 वोल्ट पे भी स्पिन हो रहा है, मैं थोड़ा सा स्लो करता हूँ। ओके तो अभी हम चेक करेंगे ये VCC क्यों नहीं बन रहा है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये आपका प्रोसेसर हीट होता है तो थर्मिस्टर होता है लगा हुआ, वो थर्मिस्टर सेंस करेगा हीट को, इन्फॉर्मेशन देगा SIO को, SIO अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर है उसके हिसाब से SIO जो सुपर इनपुट आउटपुट चिप है आपका, वो फैन कंट्रोलर को, फैन कंट्रोल को PWM सिग्नल भेजेगा। ओके फिर अकॉर्डिंग टू PWM, जैसी PWM होगा उसके हिसाब से हमें जो भी ये फैन कंट्रोलर है, फैन कंट्रोलर उसी के हिसाब से वोल्टेज आउट करता है। तो एक बार हम इसे स्कीमेटिक में देखते हैं, इसका सर्किट है कहाँ पे, किस तरह से है। ये स्कीमेटिक है इसका, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ब्लॉक डायग्राम में, तो ब्लॉक डायग्राम में हमें यहाँ पे दिख जाता है ये फ़ैन है और ये फ़ैन कंट्रोलर है और ये आपका SIO है। SIO फैन कंट्रोलर को कंट्रोल करता है और फैन कंट्रोलर फ़ैन को अकॉर्डिंग टू PWM, जैसा यहाँ पे PWM होगा उसके हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। ओके साथ ही साथ फ़ैन यहाँ से फ़ैन टेक भेजता है, टेक मीन्स टेक्नोमीटर, टेक्नोमीटर जो कि आपका स्पिन कितना राउंड हो रहा है इसमें पर मिनट RPM, वो इन्फॉर्मेशन SIO को देगा। तो हम चलते हैं डायरेक्ट 26 नंबर पेज पे। 26 यहाँ पे देख सकते हैं 26 पे हैं अभी हम, 26 में यहीं पे थर्मल मिल जाता है हमें और फैन भी यहीं पे है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये थर्मिस्टर जो है ये नियर बाय CPU के होता है, CPU के आसपास आपको मिल जाएगा ये। ये थर्मिस्टर सेंस करेगा टेम्परेचर को और ये इन्फॉर्मेशन देगा, यहाँ पे देख सकते हैं नाम इसका CMP Win0R, ठीक है, इस नाम से ये जाएगा SIO को। इस पे जो वोल्टेज होता है आपको यहाँ पे मिलेगा अप्रॉक्स 2.2-2.3 के आसपास, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर है लगा हुआ, R1 जो है वो आपका 25 है और ये LDO वोल्टेज आ रहा है 3.3 वोल्ट, और R2 जो NTC है ये 100 है। तो ये सेंस कैसे करता है, NTC जो होता है ये थर्मिस्टर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ओके वैसे वैसे ये थर्मिस्टर अपनी वैल्यू लो करता जाएगा, क्लियर है। जब यहाँ पे वैल्यू लो होगा, वैल्यू लो होने की वजह से जब आपका R2 जो है, R2 की वैल्यू लो होता जाएगा तो आउटपुट भी क्या होगा, लो होता जाएगा, क्लियर है। तो अगर R2 की वैल्यू ज़्यादा लो हो जाएगी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, तो यहाँ पे एक टाइम आएगा जब ये वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। ये वोल्टेज आप एवरेज ले सकते हो 1.2 वोल्ट, अगर ये 1.2 वोल्ट से नीचे जाता है, 1.2 वोल्ट से अगर इस ट्रैक पे वोल्टेज कम होगा तो ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर माना जाएगा, मतलब CPU जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है 1.2 से अगर ये कम होता है। तो इस कंडीशन में SIO क्या करेगा, वो डायरेक्ट मदरबोर्ड को शट डाउन कर देगा, क्लियर है। बट हमारे बोर्ड में तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पे ये रजिस्टर आपका 1 जो है ये ख़राब हो जाता है या इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ये थर्मिस्टर ख़राब हो जाता है, तो प्रॉब्लम क्या आएगा, यहाँ पे हमेशा वोल्टेज लो होगा, लो होने की वजह से आपका बोर्ड कभी भी ऑन ही नहीं हो पाएगा।
अभी हम इसे स्किप करते हैं, आगे चलते हैं और यहीं पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये सी पी एम वी आउट जो देख रहे हैं, ये सी पी एम विन जो है ये एस आई ओ को जाएगा और एस आई ओ यहाँ पे वोल्टेज जनरेट करेगा। क्लियर है? एस आई ओ से यहाँ पे इंफॉर्मेशन जा रहा है और एस आई ओ ये आउट करेगा। अब यहाँ पे अगर ज़्यादा वोल्टेज लो हुआ, ओके, अगर यहाँ पे वोल्टेज जो भी वोल्टेज बन रहा है वो ज़्यादा लो हो जाएगा, तो ये जो वी आउट देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, लो। ये जब लो होगा, वैसे यहाँ पे ये तो लगा नहीं है, ये भी नहीं लगा है, अगर ये लो होगा तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं इसका नाम है प्योर हार्डवेयर शटडाउन, ये भी आपका लो जाएगा और ये लो जाएगा तो पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं आपका कनेक्टेड होगा, ये जाके 3-5 का जो सेक्शन है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन के एनेबलिंग वाले पिन से कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो अभी हमें ये स्किप नहीं, इसे हम स्किप करते हैं। हमारा जो प्रॉब्लम है वो है फैन का। ये पिन नंबर 1 है, यहीं पे इसका पिन नंबर 2 है। मैं अपने लैपटॉप को चार्ज में दे दूँ, लैपटॉप का जो है चार्जर यूज़ कर रहा था इस बोर्ड पे। अब हम डीसी रेगुलेटर यूज़ कर लेंगे, जब पड़ा तो हम निकालेंगे वापस। यहाँ पे पिन नंबर 1 वीसीसी जो कि बन नहीं रहा है। अगर आप फैंटक देखेंगे तो ये डायरेक्ट एसआईओ को चला गया, 24 नंबर पिन पे एसआईओ है। और पिन नंबर 1 जो है यहीं पे देख सकते हैं फैन वीसीसी, ये फैन कंट्रोलर है, फैन वीसीसी से कनेक्टेड है। इसका पिन नंबर 1 जो है ये एनेबलिंग है। अगर ये यहाँ पे लो होता है, ओके, लो है, हाई है, फिर भी ये ऑन ही रहेगा, इसे हम स्किप कर देते हैं। अगर यहाँ पे ये डाई है, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। चलिए पिन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। पिन नंबर 2 जो है ये 5 वोल्ट S0 रन वोल्टेज जो है वो यहाँ पे इन हो रहा है, तो ये आ ही रहा होगा क्योंकि बीच में कोई भी फ्यूज़ वगैरह नहीं लगा है, पूरा बोर्ड आपका ऑन है, तो पिन नंबर 2 पे वोल्टेज आ रहा होगा। अब पिन नंबर 3 जो है ये वी आउट है और पिन नंबर 4 जो है ये वी सेट है। ये वी सेट जो आप देख रहे हैं ये एस आई ओ से आ रहा है, यहाँ पे पी डब्ल्यू एम आएगा, जैसा पी डब्ल्यू एम होगा उसी के हिसाब से आपका वी सी सी आउट होगा। क्लियर है? जैसा फैन फैन डेक होगा उसी के हिसाब से, यहाँ पे हमेशा फैन पी डब्ल्यू एम नाम होता है, यहाँ पे फैन डेक भी नाम दिया हुआ है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे ये आउट करता है। तो हम चेक करते हैं ये फैन डेक कहाँ से बन रहा है और इसे चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम टाइप करेंगे फैन डेक, कॉपी कर लेता हूँ, फैन 1 है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली सब कुछ समझाया गया है, ये थर्मल सेक्शन जो है ये वर्क कैसे करता है। ये है आपका फैन कंट्रोलर आईसी, ओके, ये विन हो गया, 5 वोल्ट विन होगा और ये जो देख रहे हैं वी सेट, ये वी सेट इसे फैन कंट्रोलर को पी डब्ल्यू एम देगा जितना भी आउट करना है और उसी के हिसाब से फैन डेक के हिसाब से यहाँ पे फैन जो है, फैन का जो इनपुट वोल्टेज है वो यहाँ से आउट होगा। ये टैग फीडबैक है, फैन क्या आरपीएम में रोटेट कर रहा है, ओके, यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आएगा इसे। तो आगे हम और ढूंढते हैं, एस आई ओ पे डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये एस आई ओ पे आ चुके हैं हम। फेंडक जो है वो कनेक्टेड है पिन नंबर 22, ये पिन नंबर 24 है, सॉरी, पिन नंबर 24 पे अगर वोल्टेज मिल रहा है, पिन नंबर 24 पे जो भी वोल्टेज मिलेगा उसी के हिसाब से आपका फैन जो है वो रोटेट होगा। पिन नंबर 24 को चेक करते हैं यहाँ पे क्या स्टेटस है। बोर्ड ऑन हो चुका है, अभी हम इसके पिन नंबर 24 नंबर पिन पे चेक करेंगे फैन टेक, सॉरी फैन पी डब्ल्यू एम। पिन नंबर 20, पिन नंबर 24 पे देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, मतलब यहाँ पे जो पी डब्ल्यू एम जनरेट नहीं कर रहा है एस आई ओ, जबकि इसे करना चाहिए। इसके पास वाले पिन पे 1.1 वोल्ट है, मतलब ओके है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, एस आई ओ यहाँ से आउट नहीं कर रहा है। एक बार हम क्या करेंगे, बोर्ड को ऑफ कर देते हैं, बोर्ड ऑफ हो चुका है। डीसी रेगुलेटर से हम यहाँ पे सिर्फ एक बार वोल्टेज चेक करेंगे, कहीं शॉर्टिंग की इशू तो नहीं है कुछ। पिन नंबर 24 पे हम अप्रॉक्स 3.3 वोल्ट तक दे सकते हैं, देख सकते हैं 3.3 वोल्ट देते ही 0.54, ये कुछ ज़्यादा जा रहा है, ये जो एम्पियर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से एम्पियर नहीं जाना चाहिए था। एस आई ओ में कोई भी टेम्परेचर नहीं आ रहा, मतलब कोई भी हीटिंग वगैरह नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये पिन जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये कनेक्टेड है
फैन कंट्रोलर से, तो फैन कंट्रोलर भी प्रॉब्लम कर सकता है या फिर SIO भी प्रॉब्लम कर सकता है। एक बार मैं इसे अडेप्टर से ऑन करता हूँ और फैन डेक पे जो फैन पी डब्ल्यू एम है, फैन पी डब्ल्यू एम पे मैं इंजेक्ट करता हूँ वोल्टेज, इससे कन्फर्म हो जाएंगे कि इसका जो IC है वो फैन डेक अगर वहाँ पे आए तो वो वर्क करेगा या नहीं। एक बार बोर्ड ऑन कर लेते हैं। बोर्ड ऑन हो चुका है। मैं इसके पिन नंबर 24 पे वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा हूँ। देख सकते हो फैन स्पिन होने लगा है, बट यहाँ पे जो एम्पियर है वो कुछ ज़्यादा है। फैन स्पिन हो रहा है मतलब मेरे कहने का है कहीं ना कहीं ये SIO ही प्रॉब्लम कर रहा है। इसका जो पिन नंबर 24 है इससे आउट नहीं हो रहा है, बट अगर हम यहाँ पे कोई वोल्टेज इंजेक्ट कर देते हैं अप्रॉक्स 2 वोल्ट, तो फैन PWM, एक तरह से फैन PWM हम बना देते हैं, तो इसका जो कंट्रोलर है वो कंट्रोलर इसे इनपुट लेके और आउटपुट में फ़ैन को VCC सप्लाई दे देता है। बट यहाँ पे हो सकता है इसका फ़ैन का जो IC है वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर कर रहा होगा, तो ये नहीं बन पा रहा है सही से। एक बार हम इसे निकाल देंगे और फिर चेक करेंगे क्या ये बन जाता है। अगर इसे निकालने से ये बन गया तो ठीक है, अगर इसे नहीं निकालने से ये नहीं बना तो फिर कन्फर्म है SIO का जो पिन है ये ख़राब हो चुका है, SIO डैमेज हो चुका है, SIO चेंज कीजिए या फिर यहाँ पे आप बाईपास भी कर सकते हैं डायरेक्ट। इससे पहले एक बार हम देख लेते हैं इसमें जो हीट सेंस कर रहा है ये या नहीं कर रहा है। इसका जो पिन नंबर 20 है कॉम्प विन, जो अभी हमने पहले देखा था ये कॉम्प विन है। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो 2.6 के आसपास का वोल्टेज मिलना चाहिए। एक बार हम चेक करते हैं यहाँ पे 2.6 मिल रहा है या नहीं। पिन नंबर 20 पे क्या स्टेटस है एक बार देखते हैं। 5, 10, 15, 20, तो अप्रॉक्स 2.6 है। यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बोला थर्मिस्टर जो है वो जैसे जैसे हीट बढ़ेगा वैसे वैसे अपनी वैल्यू को लो करेगा और आउटपुट भी आपका लो होता जाएगा। तो अभी अगर मैं आपको हीट सेंस करवाऊँ मल्टीमीटर में देखिएगा टेम्परेचर क्या है। अगर मैं प्रोसेसर के ऊपर टेम्परेचर चेक करूँ, मुझे टेम्परेचर चेक करने वाला लगाना पड़ेगा, छोड़िए मैं सिर्फ लिखा देता हूँ आपको यहाँ पे कुछ। अभी मान लीजिए फ़ैन स्पिन नहीं हो रहा है इसका और बोर्ड ऑन है, तो टेम्परेचर कुछ अभी एक लिमिट में होगा, बट मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। इसलिए जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा जितना देर ये लैपटॉप ऑन होगा ना, आप देखोगे ये वैल्यू जो लो हो रहा है वोल्टेज ये लो होता जाएगा। अगर ये वोल्टेज 1.1 वोल्ट अप्रॉक्स 1.1 या 1.2 वोल्ट से नीचे गया तो बोर्ड क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। तो अभी देखिए फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं। ओके थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर हाई हो रहा है वैसे वैसे आप देख सकते हैं वोल्टेज जो है वो लो होता जा रहा है, मतलब थर्मिस्टर काम कर रहा है और SIO को हीट का जो इन्फॉर्मेशन है, थर्मल का जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल रहा है, फिर भी ये फैन को ऑन नहीं कर रहा है, जिसके वजह से ये फैन जो है ये घूम ही नहीं पा रहा है बिल्कुल ही। अभी मैं फैन को ऑन कर रहा हूँ, मैं DC रेगुलेटर से जो है इस पे फैन जो है फैन को एक्टिव कर देता हूँ DC रेगुलेटर से, फिर देखेंगे अगर इसका फैन जब ऑन हो जाएगा और जब इसका जो प्रोसेसर अभी हीट हो चुका है ये धीरे धीरे कूल डाउन होगा तो वोल्टेज जो है ये मल्टीमीटर पे जो वोल्टेज लो हो रहा है ये वोल्टेज बढ़ने लग जाएगा। तो मैं सेट कर देता हूँ 1.6 पे अप्रॉक्स 1.6 और इसे देखिए 24 दे सकता हूँ या फिर डायरेक्ट। देखिए अब ये वोल्टेज 2.30 जो है ये थोड़ा धीरे धीरे अब नीचे नहीं जाएगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा ऊपर, क्योंकि इसका फैन जो है मैंने अभी ऑन कर दिया है। फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके तो ये होता है जो आपका थर्मल सेक्शन होता है, थर्मिस्टर कुछ इस तरह से वर्क करता है, जैसे जैसे हीट बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, लो होता जाएगा, ठीक है। और एक टारगेटेड वोल्टेज से अगर लो होता है तो बोर्ड शटडाउन मोड में चला जाएगा, बिल्कुल बोर्ड शटडाउन हो जाएगा। तो एक बार हम इसका सिर्फ फैन कंट्रोलर रिमूव करके देख लेंगे, अगर फैन कंट्रोल को रिमूव करने से इसके पिन नंबर 24 पे PWM बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बना तो SIO प्रॉब्लम कर रहा है, या तो आप SIO चेंज करो। अगर SIO चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे या तो फैन PWM पे अप्रॉक्स 2 वोल्ट जो है आपके बोर्ड में रेफरेंस होता है, 2 वोल्ट रेफरेंस होता है यहाँ पे 3-5 के सेक्शन में 2 वोल्ट रेफरेंस होता है, 2 वोल्ट रेफरेंस इंजेक्ट करो, या फिर अप्रॉक्स 3.3 वोल्ट इस
आप फैन के VCC पे डाल दो डायरेक्ट, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, दोनों ओके रहेगा। तो एक बार बोर्ड को निकाल लेता हूँ बाहर कम्प्लीटली। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फैन कंट्रोलर है, ये फैन कंट्रोलर है ओके, ये देख रहे हैं ये फैन कंट्रोलर। यहाँ पे अभी हम एक बार इसे रिमूव करेंगे, बोर्ड से निकाल देंगे, फिर चेक करेंगे। अगर SIO बना देता है तो ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। अगर नहीं बनाएगा फिर भी VCC अगर नहीं बना तो फिर हम शॉर्टकट ले लेंगे। हल्का सा पेस्ट लगाना है आपको दोनों लेग पे। ये देख सकते हैं ये IC निकल चुका है। फिर से बोर्ड को ऑन करेंगे और वोल्टेज चेक करेंगे फैन PWM बना या फिर नहीं बना। हम यहाँ पे डायरेक्ट भी फैन PWM चेक कर सकते हैं। और एक बार हम इसका फैनटेक जो है फैनटेक भी एक बार देखेंगे। फैनटेक के ट्रैक में कभी कभी कुछ कंपोनेंट कनेक्टेड होता है तो उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट फैनटेक तो बाद की बात है, पहले हमारा एक बार वोल्टेज तो बन जाए। ओके DC रेगुलेटर कनेक्ट करते हैं इसके साथ, मैं अडैप्टर ही कनेक्ट करता हूँ ताकि DC रेगुलेटर से अगर हमें कुछ ज़रूरत पड़े वोल्टेज वगैरह का तो यूज़ कर पाएँ। ओके बोर्ड को ऑन करते हैं, बोर्ड ऑन हो चुका है। अभी SIO के ऊपर मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे ये अभी कोई एरर बता रहा है, हो सकता है हमने फ़ैन रिमूव कर दिया तो ये एरर बता रहा है हमें। फैनटेक पे देख सकते हैं 3.4 3.7 के आसपास का कुछ वोल्टेज बन रहा है और VCC तो फिलहाल जीरो ही रहेगा। फैन PWM जो है पिन नंबर 24 पे मैं एक बार चेक करता हूँ क्या वोल्टेज है। फैन PWM अभी भी स्टिल ज़ीरो है, अभी भी यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं बना है देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, मतलब SIO ही कंफर्म है, SIO ही प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब हम इसमें शॉर्टकट ले लेते हैं डायरेक्टली, SIO चेंज नहीं करेंगे, शॉर्टकट यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके ये जंपर हो चुका है इसके ऊपर। अब बोर्ड को असेंबल कर देते हैं उसके बाद फिर चेक करते हैं इसे प्रॉपर।
तो अभी कनेक्ट कर दिया है, अब इसे ऑन करके देखते हैं अडोप्टर कनेक्ट करके। हाँ अभी बोर्ड को ऑन करते हैं। बटन प्रेस करते ही फैन तो रोटेट हो रहा है, ओके। और डिस्प्ले भी ओके है, डिस्प्ले भी देख सकते हैं, डिस्प्ले भी आ चुका है। तो अभी इसे 1 आवर के लिए चलाएंगे कंटिन्यू, ताकि इतने स्पीड में, 3.3 वोल्ट में जो स्पीड है फैन की, अगर इतने स्पीड में ये कंट्रोल कर लेता है हीट को तो ठीक है, अदरवाइज़ वैसे कर लेगा, बहुत है ये, अभी जो ये स्पीड है ये बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है चल जाएगा। 5 वोल्ट पे कनेक्ट करते तो पहले आपको बोला मैंने नॉइज़ जो बहुत ज़्यादा आता, इसीलिए 3.3 वोल्ट ठीक है।